नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जमशेदपुर एफसी और एटीके मोहन बगान एफसी के बीच जो मैच होने वाला है उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में, फुल डिटेल्स में, प्लेइंग 11 के बारे में और क्या हो सकती है विनिंग स्ट्रैटेजी दोनों ही कोच यानी ओएन कॉल और एंटोनियो हॉबास के लिए, क्योंकि दोनों ही टीम दोस्तों पिछले मैच में जीत हासिल नहीं किया है, तो फुल डिटेल्स में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बात करने से पहले मैं आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों पहले बात करते हैं जमशेदपुर एफसी के बारे में। तो दोस्तों जमशेदपुर एफसी ने अपने पिछले मैच में ड्रॉ खेला है हैदराबाद एफसी के खिलाफ और बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस हम नहीं कह सकते, क्योंकि मुझे पर्सनली जमशेदपुर एफसी का परफॉर्मेंस पिछले मैच में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। हैदराबाद एफसी काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेल रही थी इनके खिलाफ, तो हैदराबाद एफसी जीत सकती थी लेकिन इनका डिफेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो ऑब्वियसली जमशेदपुर एफसी का डिफेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है क्योंकि दोस्तों पीटर हार्टली और नरेंद्र गहलोत जैसे सेंटर बैक के खिलाड़ी इनके पास मौजूद है, तो वाकई में इनका सेंटर बैक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। और वहीं बात करें एटीके मोहन बगान एफसी की, तो पिछले मैच में किसी ने भी नहीं सोचा था कि मुंबई सिटी एफसी के खिलाफ एटीके मोहन बगान एफसी 5-1 से हार जाएगी, तो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग लगा सभी फुटबॉल फैंस को और एक्सपर्ट्स को, क्योंकि एटीके मोहन बगान एफसी आईएसएल के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है और वो कंटेंडर है कि वो आईएसएल और आईएसएल की लीग और ट्रॉफी जीत पाए। लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रहा उस मैच में। और दोस्तों रेफरी की क्या कहने, इंडिया के रेफरी काफ़ी ज़्यादा गलती कर रहे हैं काफ़ी सारे मैच में दोस्तों, और वहीं एटीके मोहन बगान एफसी को भी भुगतना पड़ा। एटीके मोहन बगान एफसी ने 2 गोल कंसीड किया था, वो गोल नहीं था एक्चुअली में, बाद में देखा गया, और इसी के कारण दोस्तों एटीके मोहन बगान एफसी मैनेजमेंट ने कंप्लेन किया है एफएसडीएल को या फिर कहें एआईएफएफ को, तो उन्होंने कंप्लेन किया है रेफरी के खिलाफ। खैर इसके बारे में कुछ और बात नहीं करते हैं क्योंकि इंडिया के रेफरी मुझे लगता है आईएसएल में काफ़ी ज़्यादा गलत डिसीजन ले रहे हैं, सभी रेफरी नहीं, कुछ कुछ रेफरी है जो बहुत ज़्यादा रॉन्ग डिसीजन ले रहे हैं जिसके वजह से टीमों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो खैर इसके बारे में बात नहीं करते, तो जमशेदपुर एफसी इसी का फ़ायदा उठाना चाहेगी क्योंकि एटीके मोहन बगान एफसी 5-1 से हार कर आ रही है और एटीके मोहन बगान एफसी के सारे प्लेयर्स का मोरल बहुत ज़्यादा डाउन होगा ऐसा मुझे लग रहा है, और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि एटीके मोहन बगान एफसी आईएसएल के नंबर 1 कंटेंडर है और वो ट्रॉफी जीतने वाली टीम थी, ऐसा सभी प्लेयर को भी पता था दोस्तों एटीके मोहन बगान एफसी की। तो इसी के कारण दोस्तों अचानक उनको एक 5-1 से डिफीट मिला, तो इसी के वजह से दोस्तों मुझे लगता है एटीके मोहन बगान एफसी के प्लेयर्स का मोरल काफ़ी ज़्यादा डाउन होगा और इसी का फ़ायदा दोस्तों जमशेदपुर एफसी उठाना चाहेगी। और क्यों ना उठाए, क्योंकि दोस्तों जमशेदपुर एफसी के पास बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो एटीके मोहन बगान एफसी को परेशान कर सकते हैं। तो दोस्तों पहला नाम तो आता है नॉर्जिस वास्किस का, और कोमल टोटाल का भी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रह रहा है, और जॉर्डन मरे भी है और पीटर हार्टली भी है, काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर हैं जो एटीके मोहन बगान एफसी को सरदर्द दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों एटीके मोहन बगान एफसी भी चाहेगी कि फाइट बैक करना, और एंटोनियो हॉबास भी यही चाहेंगे क्योंकि दोस्तों वो इसी प्रकार के कोच हैं एंटोनियो हॉबास। लेकिन दोस्तों एंटोनियो हॉबास का एक हिस्ट्री जो है दोस्तों वो ब्रेक हुआ है मुंबई सिटी एफसी के खिलाफ, वो ये है दोस्तों कि एंटोनियो हॉबास के अंडर में अभी तक एटीके मोहन बगान एफसी ने इतनी बड़ी डिफीट नहीं झेली थी, लेकिन इस मैच में दोस्तों उनको 5-1 का हार मिला, तो इसके वजह से मुझे लगता है एंटोनियो हॉबास का मोरल भी थोड़ा सा डाउन हो सकता है। लेकिन अभी तक हमने देखा नहीं है जमशेदपुर एफसी के खिलाफ एटीके मोहन बगान एफसी कैसी स्ट्रैटेजी से उतरती है, लेकिन जैसा मैं हॉबास को जानता हूँ, उनकी मैचेस को मैंने फॉलो किया है, तो एंटोनियो हॉबास बहुत ही ज़्यादा शातिर कोच है और वो ऑब्वियसली इस मैच में फाइट बैक करना चाहेंगे और कर भी सकते हैं क्योंकि उनके पास ह्यूगो बोमो, रॉय कृष्णा, डेविड विलियम्स है। और हाँ दोस्तों रॉय कृष्णा मुझे दोस्तों पिछले 3 मैचेस से काफ़ी ज़्यादा ऑफ फॉर्म दिखे हैं, बहुत सारे चांसेस दोस्तों रॉय कृष्णा ने मिस किया है, और दोस्तों रॉय कृष्णा बॉडी लैंग्वेज से भी फुल फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं क्योंकि दोस्तों पिछले कई 2 सालों से देखें रॉय कृष्णा काफ़ी ज़्यादा मिडफील्ड में भी आते हैं हेल्प करने के लिए अपने मिडफील्डर्स को और काफ़ी ज़्यादा चांस क्रिएट करते हैं, क्योंकि दोस्तों रॉय कृष्णा ने पिछले 2 सीज़न से काफ़ी ज़्यादा असिस्ट और काफ़ी सारे गोल्स भी दागे हैं, तो रॉय कृष्णा इस सीज़न काफ़ी ज़्यादा ऑफ फॉर्म दिखे हैं। 3 मैचेस दोस्तों मुझे वैसे रॉय कृष्णा नहीं दिखे जैसे पिछले 2 सीज़न से देखने को मिल रहा है, तो ये
एक थोड़ा सा चिंता का विषय होगा एंटोनियो हबास के लिए, क्योंकि दोस्तों ह्यूगो बुमुस तो फुल फॉर्म में है, लेकिन रॉय किस्ना अगर फुल फॉर्म में नहीं आते हैं तो एंटोनियो हबास के लिए टेंशन बढ़ सकता है और एटीके मोहन बगान एफसी के फैंस के लिए भी टेंशन बढ़ सकता है, क्योंकि ह्यूगो बुमुस तो चांस बनाएंगे लेकिन दोस्तों रॉय किस्ना को फिनिश करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है रॉय किस्ना भी चाहेंगे इस मैच में फॉर्म में आना और अपने टीम को हेल्प करना ताकि उनको 3 पॉइंट मिल सके और एटीके मोहन बगान एफसी अच्छे से फाइट बैक कर सके। और वहीं जमशेदपुर एफसी के पास भी दोस्तों नर्जिस वाल्सकिस है, जॉर्डन मरे है, पीटर हटली है, तो कॉमल थॉटल भी है दोस्तों जो कि अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, ईशान पंडिता है। तो मुझे लगता है ये सारे प्लेयर्स के ऊपर जमशेदपुर एफसी काफ़ी ज़्यादा निर्भर रहेगी एटीके मोहन बगान एफसी के खिलाफ अच्छे से परफॉर्मेंस करने के लिए। तो जमशेदपुर एफसी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैच 50-50 से शुरू होगा, क्योंकि दोस्तों जमशेदपुर एफसी के पास उतने बड़े नाम नहीं है, लेकिन कोच ओइन कोयल की वजह से जमशेदपुर एफसी इतना अच्छा से परफॉर्मेंस कर पा रही है। और एंटोनियो हबास के टीम का तो क्या कहना, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है, हालांकि पिछले मैच में उनको हार मिला, लेकिन दोस्तों एटीके मोहन बगान एफसी काफ़ी अच्छे से फाइट बैक करना जानती है और मैच को जीतना जानती है। तो हम कुछ नहीं कह सकते एटीके मोहन बगान एफसी किस प्रकार से, किस स्ट्रैटेजी से उतरेंगे एंटोनियो हबास इस मैच में, और ओइन कोयल भी रोकना चाहेंगे एटीके मोहन बगान एफसी की इस टीम को, क्योंकि दोस्तों मुंबई सिटी एफसी के खिलाफ एटीके मोहन बगान एफसी का डिफेंस काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज हुआ है। तो इसी के कारण दोस्तों ओइन कोयल जो है इसका फ़ायदा उठाएंगे और दोस्तों जो भी वीक पॉइंट है एटीके मोहन बगान एफसी का वो उसमें दोस्तों चांस लेना चाहेंगे और गोल दागना चाहेंगे, 3 पॉइंट लेना चाहेंगे। और एटीके मोहन बगान एफसी अगर पहला गोल दाग देती है तो मुझे लगता है जमशेदपुर एफसी के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और वहीं टीरी के लिए जो अपडेट आ रहा है दोस्तों, वो फिट हो चुके हैं ऐसा सुना जा रहा है और वो ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन कर चुके हैं। तो अगर टीरी आते हैं इस मैच में तो मुझे लगता है डिफेंस में काफ़ी ज़्यादा बूस्ट आएगा और बैलेंस भी आएगा। हालांकि पिछले सीजन के जैसा डिफेंस एटीके मोहन बगान एफसी का नहीं है, लेकिन टीरी के आने के वजह से काल में क्यू जो है वो सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड में आ जाएंगे, जिसके वजह से दोस्तों उनका डिफेंस और मिडफील्ड और ज़्यादा डिफेंस सॉलिड हो जाएगा और ह्यूगो बुमर रॉय किस्ना को और ज़्यादा फ्रीडम मिलेगा कि आगे जाके और भी अटैक्स बनाकर गोल दागे। और दोस्तों लिस्टन कोलासो और मानवीर सिंह भी अपने फॉर्म में आ चुके हैं, लेकिन पिछले मैच में सभी का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा वीक और डाउन रहा था। तो आशा करते हैं कि एंटोनियो हबास की टीम एटीके मोहन बगान एफसी अच्छे से वापसी करे, क्योंकि वो आईएसएल के कंटेंडर है और उनको नंबर वन टीम होना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों एटीके मोहन बगान एफसी की टीम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर एटीके मोहन बगान एफसी अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं करती है इस सीज़न और टॉप में फिनिश नहीं करती है तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग रहेगा। हालाँकि दोस्तों एटीके मोहन बगान एफसी का काम उतना ज़्यादा आसान नहीं है, लेकिन उनके पास ऐसे प्लेयर हैं जो कि उनको टॉप में फिनिश करवा सकते हैं। रॉय किस्ना, ह्यूगो बुमुस, टीरी, काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर हैं, मैं किन किन का नाम लूँ, सारे चैंपियंस खिलाड़ी एटीके मोहन बगान एफसी के पास। वहीं जमशेदपुर एफसी के पास उतने बड़ा नाम नहीं है, लेकिन ओइन कोयल की वजह से, उनके स्ट्रैटेजी की वजह से जमशेदपुर एफसी काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। तो चलिए, बहुत लंबा वीडियो हो चुका है इसीलिए हम बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों कोच ओइन कोयल अपने वही सेम प्लेइंग 11 के साथ जाएंगे इस मैच में, क्योंकि दोस्तों उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था इस प्लेइंग 11 के साथ, तो वो अनचेंज 11 रखेंगे इस मैच में। और एटीके मोहन बगान एफसी के कोच एंटोनियो हबास थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, अगर टीरी फिट है तो जॉनी काउको के जगह मुझे लगता है टीरी आएंगे सेंटर बैक के पोजीशन में और जॉनी काउको बेंच में होंगे और कार्ल मैक्यू सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड में आएंगे। इससे क्या होगा, एटीके मोहन बगान एफसी की टीम को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस मिलेगा। और बाकी मुझे नहीं लगता है एंटोनियो हबास ज़्यादा चेंज करेंगे, वही सेम प्लेइंग 11 होगा जो मुंबई सिटी एफसी के खिलाफ रहा था। हालांकि उस दिन बहुत ज़्यादा बैड डे था एटीके मोहन बगान एफसी का, खैर उसको भूलकर एटीके मोहन बगान एफसी अच्छी फाइट बैक करेगी और जमशेदपुर एफसी भी अच्छा से प्रदर्शन करेगी, जिसके वजह से ये मैच काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल ये वीडियो में इतना ही था, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।